प्रिय परीक्षार्थियों, इस कक्षा में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आप खनन उद्योग में लगे विभिन्न संक्रियाओं में संपादित कर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अतः कोयला खान विनिमय 2017 नवंबर से हैवी अर्थ मूविंग मशीन चालकों के लिए, ट्रक ऑपरेटरों के लिए, डंपर ऑपरेटरों के लिए कर्तव्य का स्पष्ट रूप से पंजीकृत किया गया है। अतः अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए यह जरूरी है कि हम उसे सही रूप में समझें, जानें और प्रयोग में लाएं। तो सर्वप्रथम आपके कर्तव्य को कैसे सरल और सुबोध तरीके से कार्यान्वित करना है, इस संदर्भ में मैं आपको फोटो कापियाँ आपके व्हाट्सएप पर मैं भेज दिया हूँ, आपके मेल पर मैं भेज दिया हूँ। फिर भी यह अगर आप यह वीडियो आपको कार्य को समझने में मददगार साबित होगी, तो अपने कार्य को तीन भागों में आप बांट लें। अगर आप ऑपरेटर हैं या तो अपने कार्य को आप मोटा मोटी तीन भागों में बांट लें। तीन भाग क्या है? शुरू, मध्य और अंत। तो तीनों को बांटेंगे तो कार्य करने में आपसे कोई भी छूटेगा नहीं। तो पाली के शुरू में आपको क्या करना है? सबसे पहले आप अपना उपस्थिति दर्ज कराने के बाद आपके को एक मशीन सुपुर्द की जाती है, आपके नाम पर आवंटित की जाती है मशीन। तो मशीन की दशा और दिशा के लिए एक चेक लिस्ट जारी की जाती है, जो कि फोरमैन आपके या इंजीनियर की तरफ से उस मशीन के विशिष्ट जानकारी रहती है कि वो उसकी दशा कैसी है, किस हालात में मशीन है। तो पाली के शुरू में आपका कर्तव्य होता है कि सुपुर्द की गई मशीन जो आपको दी गई है उसका निरीक्षण की करें, बारीकी से जांच करें, उसके सुरक्षात्मक जितने से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो सही हैं या नहीं, ठीक हालत में काम कर रहे हैं या नहीं, उसकी जांच करें। अतः निरीक्षण और जांच इस के लिए आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, मशीन को काम से बाहर ले जाना है। मशीन को अचल संचालन करने के लिए अगर बाहर निकाल रहे हैं या मशीन को चालू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये संतुष्ट हो लीजिए कि आपका मशीन जो है या आपका वाहन सही रूप से है या नहीं, चुस्त एवं दुरुस्त है या नहीं। ठीक और अच्छी हालत में रहने के बाद ही मशीन का चालू कीजिए, काम में लगाइए। अगर किसी तरह की खराबी मिलती है तो अपने फोरमैन को, अपने इंजीनियर को या अपने शिफ्ट इंचार्ज जो भी हैं उन्हें सूचित कर दें, उन्हें बताएं कि इस मशीन में ये खराबी है और बिना ठीक किए हुए काम पर न ले जाएं। ये ठीक कराना भी आपकी ही जिम्मेवारी है, चलाने के साथ साथ ठीक करना भी आपकी नैतिक जिम्मेवारी है और आपका कर्तव्य भी है। अच्छा, आगे का विषय वस्तु है कि जांच का रिकॉर्ड, आपने जो जांच किया, जांच के उपरांत क्या क्या पाया गया, क्या तो उस जांच का रिकॉर्ड का परिणाम जो है आपको सजिल्द पन्ना नंबरदार खाता यानी बॉन्ड पेस्ट बुक में पंजीकृत करना है, उसमें हस्ताक्षर करना है, उसमें दस्तखत करना है डेट के साथ। ये हर मशीनों के लिए एक लॉग बुक रहता है, वो लॉग बुक में एंट्री करना है। पंजीकृत इसलिए कि आपका पन्ना ये फटकर इधर से उधर ना हो जाए, आपका रिकॉर्ड, आपका लिखा हुआ कहीं बीच में से गायब ना हो जाए। इसीलिए कानून ये बोलती है कि आप पंजीकृत नंबरदार खाते में ही अपना पंजीकृत कीजिए, अपना रिपोर्ट को लिखिए।
दूसरा है, पाली के मध्य में आपको क्या क्या सावधानियां करना है जब आप काम चालू कर रहे हैं या संचालित कर रहे हैं। इस हालत में मशीन को की चलाने की गति पर नियंत्रण रखें, पूरी सावधानी से चलाएं, अपनी एकाग्रता पर ध्यान रखें। दूसरी वाहन से अगर पास लेना है या तो उसे हॉर्न देकर सावधान करें। सही संकेत मिलने पर ही सुरक्षित जगह देखकर पास लें। इसी प्रकार अगर लोडिंग मशीन के नज़दीक पहुंचते समय ध्वनि संकेत हॉर्न बजाएं और लोडिंग हो जाने के बाद जब तक संकेत ना मिले अपने वाहन को वहां से ना हटाएं। कभी-कभी क्या होता है, वाहन चलाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए के दौरान बीच में सड़क या रेलवे लाइन भी पार करना पड़ सकता है, तो वैसी दशा में आपको सुरक्षात्मक कदम उठाना जरूरी है। अपने वाहन को आप धीमा करें, रोक लें, सड़क के दोनों साइड या रेलवे लाइन के दोनों साइड देखें। जब सुरक्षित रह दिख पड़े, सुरक्षित आपको अनुभव हो, तभी आप पास लें, आगे बढ़ें, अन्यथा वहीं पर रुके रहें जब तक कि रेलवे या सड़क साफ या पास न दे। या अंधा अंधे कोना या ब्लाइंड कॉर्नर पर जब आप गाड़ी लेकर पहुंच रहे हैं, जहां कोई भी वाहन अचानक आ सकता है, तो वो पहुंचने के पहले ही आपको ध्वनि संकेत देना है, हॉर्न बजाना है, ताकि आने वाले वाहन आपके वाहन से सावधान हो जाएं और अपनी गति को नियंत्रित या कम कर लें। वाहन को पीछे करने के पहले पीछे के क्षेत्र को साफ साफ आप देख लें कि आपके पीछे साफ और स्पष्ट है, साफ सुथरा सुरक्षित है, कोई जंतु आदमी या कोई सामान नहीं है, और ध्वनि संकेत दें। जब भी रिवर्स करें तो ध्वनि संकेत दें। जब और पर्याप्त समय देख लें चारों तरफ मशीन को घूमकर कि कोई वास्तव में जीव जंतु नहीं है। पर्याप्त क्लियरेंस होने पर ही अगर आप कोई कोई ढांचा पर या संयंत्र ढांचा है जहां से आपको मशीन गुजारनी है, उस हालत में आप क्लियरेंस जरूर देखें, पर्याप्त है कि नहीं, जगह सही है कि नहीं, तभी मशीन को आगे ले जाएं। और अंत में पाली के अंत में आपका यह कर्तव्य है कि वाहन की दशा के संदर्भ में विस्तृत विवरण या रिपोर्ट लिखें और उसमें हस्ताक्षर करें और अगले आने वाले पाली के ऑपरेटर को इसकी जानकारी दें। इस तरह आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह सावधानी पूर्वक और सुस्पष्ट, सरल और सुबोध तरीके से कर सकते हैं।